नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना पड़ोसी देश नेपाल में भी अपना पैर पसारने लगा है। जहां नेपाल में कोरोना के 72 नए मामले सामने आने के बाद यहां कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के मतदाताओं को विश्वास दिलाते हुए अर्थव्यवस्था के मद्देनजर कहा है कि आप चौथी तिमाही में अच्छा देखने जा रहे हैं और 2021 बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि हमने विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई और अगर फिर से मौका मिला तो इससे भी ज्यादा बेहतर करूँगा। लॉकडाउन के कारण एक ओर जहां मंदिरों में आने वाले दान की रकम में भारी गिरावट आई है, वहीं अयोध्या के रामलला पर राम भक्त मेहरबान हैं। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते में 4.6 करोड़ रुपए बतौर दान में आए हैं, जिसके लिए राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भक्त दानदाताओं का धन्यवाद दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने आज 28 साल बाद रामलला के दर्शन किए और इस दौरान रामलला परिसर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए कहा कि आज भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है। लॉकडाउन भले ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही ना हो, पर प्रकृति के लिए वरदान साबित हुआ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक औद्योगिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 2020 में 8% की गिरावट आई है, जो 80 साल के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट सर्वे ने 50 प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला स्थान दिया है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस लिस्ट में 16वें स्थान पर हैं और इस सूची में उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, रामदेव बाबा, अभिनेता अक्षय कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। भारत में सोने का आयात अप्रैल महीने में लगातार 5वें महीने गिरा है, जहां वैश्विक लॉकडाउन की वजह से यह 100% गिरकर 28.3 लाख डॉलर का रहा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2019 में यह 39.7 अरब डॉलर था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना आज कल में जाने वाला नहीं है, इसका असर आगे तक रहेगा। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि 27 मई को लॉकडाउन में छूट देते ही एक हफ्ते में 3500 मरीज बढ़ गए, लेकिन 2500 ठीक भी हुए हैं। टाटा समूह अपने इतिहास में पहली बार टाटा संस के चेयरमैन तथा सहायक कंपनियों के तमाम सीईओ के वेतन में लगभग 20% की कटौती कर रही है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण हुए घाटे की भरपाई के लिए कंपनी यह कदम उठा रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि CBSE देश भर के 15,000 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए शेष बचे परीक्षाओं का आयोजन करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले बोर्ड की ओर से केवल 3,000 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करने की बात सामने आई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के दफ्तर में कार्य करने वाले एक कर्मचारी को भी कोरोना होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद इस कर्मचारी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और ऑफिस को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और बीमा उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को अब यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। कोरोना और लॉकडाउन के कारण हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में पूर्ण बंद को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, जहां इस बात की जानकारी आज अधिकारियों ने दी। उत्तराखंड में आज कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 332 हो गई। सस्ती विमानन सेवा देने वाली कंपनी एयर एशिया इंडिया ने अपनी सभी 21 स्थानों की उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है, जहां कंपनी ने यह फैसला देश में 25 मई से विमान सेवा फिर से शुरू होने के बाद लिया। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने वॉरेन बफे को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीने में मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में 30 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ है। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि जुलाई समाप्त होने तक या अगस्त की शुरुआत में उत्तर भारत में कोरोना समाप्त होने की पूरी उम्मीद है। गौरतलब है कि कोरोना से इस समय पूरी दुनिया परेशान है।
स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसने खेलो इंडिया से जुड़े 2749 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खाते में 30,000 रुपए जमा किए हैं। इस तरह से इनमें कुल 8.25 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। मशहूर बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं, जहां इस मौके पर उनके चाहने वाले उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। खबर है कि हिंदी फिल्म के शानदार अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल के लेखक और निर्देशक राज सांडियाल एक बार फिर से आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। हालांकि इस बार सिर्फ आयुष्मान खुराना ही नहीं बल्कि वरुण धवन भी उनकी सूची में शामिल है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।